हेलो गाइस, आज लेके आए रियलमी नार्जो 10 का सेट, जिसका टच चेंज करना है। ये पूरा चूर है। चलिए अब इसको हम लोग करते हैं। और कैसे करते हैं देखें आप। टेप को टच के ऊपर में इसको अच्छे से मार लेना है, ताकि टच जो ग्लास है कटिंग होके इधर उधर ना हो, चिकन में डिस्प्ले टूटे ना। टेप का 3 लेयर मारना है। एक लेयर तो मार चुका मैं, दूसरा लेयर ये रहा, तीसरा लेयर टिप मारने के बाद आपको इधर से अच्छे से साइड साइड से टच के साइड से काट लेना। आपको काट लेना है, चारों तरफ से घुमा लेना है एक राउंड। साइड से दबा दें, दबाने के बाद आपको सेट को उठा लेना है। उठाने के बाद आपको टेप को फ्रेश से देख लेना है, टेप कटिंग हुआ है कि नहीं। नहीं कटिंग हुआ है तो उसको उठा के बिलेट को चला देना है। चलाने के बाद इसको आपको साइड से हटा देना है। हटाने के बाद आपको चले अब आते हैं हम लोग। अब इसको बैक पैनल को हिट कर लेते हैं। हिट कर लेना है 90 होने पे। रियलमी नार्जो 10 का बैक पैनल हिट कर लिया सेपरेटर मशीन में। अब इसको साइड से ब्लेड चला लेना है, ताकि गम साइड का छोड़ दें। अब ब्लेड ध्यान से चलाएं, अगर ब्लेड से आप नहीं खोलते तो ब्लेड से नहीं खोलिएगा, ठीक है। उसकी जगह आप प्लास्टिक को डाल के इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए पकड़ के धीरे 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 आपको अपने की ओर खींचना है। खींचने के बाद आपको इसको साफ कर लेना है।
बैक पैनल के जितने एक गम है, गम को फ्रेश से वो साफ कर लेना, जैसे कि हम साफ कर लिए। और रहा मिडिल का, मिडिल का भी साफ कर लेना आपको फ्रेश एकदम क्लीन। मोटर को ध्यान से चलाना है ताकि छटके नहीं। देखिए गम से साफ होते जा रहा है, क्लीन करना है ऐसा ही आपको, ताकि क्लीन इसलिए कर रहे हैं ताकि बैठेगा अच्छे से। और जो जगह में है अपने सही से बैठेगा, फिनिशिंग होगा। देखिए सेट हिट हो रहा है, और आपको हिट करना है 90-92 कर लीजिए, कोई उससे दिक्कत नहीं ज़्यादा हीट होने पर भी, ठीक है। और इसको चलिए हम लोग उठाते हैं, इसको उठाने के बाद इसको देख लेना डिस्प्ले सही है कि नहीं। इसको साइड से लगाना है ब्लेड, ब्लेड लगवाने के बाद आपको प्लास्टिक का 70 ग्लास का प्लास्टिक को डाल लेना है साइड से। धीरे धीरे एकदम प्यार से एकदम आपको अंदर बाहर को करना है, ताकि गम जो है पूरी तरह से कट जाए। देखिए पूरा कट चुका है साइड से, अब इधर का गम अंदर बाहर आपको कर लेना है, ताकि गम छोड़ दे साइड से। उठाने के बाद आपको इसको अपनी ओर खींचना है, देखिए साइड से ब्लेड लगा कर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको ब्रेकर करना है, देखिए मिडिल से निकल गया है, बैटरी को ओपन कर ले रहे हैं, देखिए बाहर निकाल के बैटरी को मैं बाहर निकाल लिया। निकालने के बाद प्लास्टिक को हटा के डिस्प्ले को बाहर निकाल लेना है, ये निकल गया है डिस्प्ले, वो दिखा देते हैं डिस्प्ले फ्रेश निकला है कि नहीं। बैटरी को लगा लेना है, बैटरी लगने के बाद आपको डिस्प्ले देखिए ठीक है, ओके ऑन हो रहा है, देखते रहिए आप। देखिए डिस्प्ले ओके है, अब इसको हम कटिंग करेंगे, ठीक है ना फ्रेश। देखिए 87-88 में
हिट करने समय आपको डिस्प्ले को इधर आपको यहाँ साइड में धीरे से रेस करना है, धीरे धीरे आपको धीरे धीरे आपको कटिंग करना है, ज़्यादा ताकत नहीं लगाना है, ताकत लगाइएगा डिस्प्ले ब्रोकन धीरे धीरे कटिंग करना है, ज्यादा ताकत नहीं लगाना है। आपको धीरे धीरे कटिंग करते जाना है, ज्यादा ताकत नहीं लगाना है। देखिए डिस्प्ले तो कटिंग हो चुका है, अब डिस्प्ले बचा है कि नहीं बचा है यह आप लोग को हम दिखाते हैं। हमको तो नहीं लग रहा कि बचा होगा, बहुत चूर था, बहुत बहुत गंदा, और जब कटिंग करे तो आवाज़ आ रहा था, कट कट आ रहा था, पता नहीं कैसे बताएं। देखिए डिस्प्ले तो लग रहा है बचा हुआ है, मगर पूरे ऑन होने दीजिए इसको, देखते हैं हो रहा है कि नहीं। तो देखिए रियलमी लिख के आगे बढ़ रहा है आपका, इसको आपको चले हम दिखाएंगे कि डिस्प्ले बचा है कि नहीं और काम सक्सेसफुल हुआ है या नहीं। देखिए हमारा काम सक्सेसफुल हो गया है, ये देखिए ये जो ब्लैक स्पॉट है, ये स्पॉट टेस्टिंग के बाद ये हट जाएगा टेंशन लेने के बाद। या देखिए काम भी सारे वर्क कर रहे हैं, देखिए चलिए हेलो गाइस, स्कॉर्पियो को मोटर से घुमा के निकाल लेना है, ठीक है, पूरा क्लीन निकालना है। ताकत नहीं लगाना है, ताकत लगाएगा डिस्प्ले टूट जाएगा। हम नॉर्मल एकदम चलाना है, एकदम हल्का हल्का एकदम, जहाँ जा वीडियो स्टॉप करो गाइस, तो साफ कर लेना पूरा उसी को, देखिए लास्ट बचे हुए हैं तो आपको हटा लेना है। धीरे धीरे मोटर को चलाना आपको, धीरे धीरे एकदम, धीरे धीरे का डिस्प्ले नाजुक होता है, एकदम धीरे धीरे चलाना है। ये चलाने के बाद आपको ओके हल्का सा प्यार से एकदम धीरे धीरे सबको ऐसे ऐसे आपको गिरा लेना है, सारे उल्लू को प्यार से एकदम धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके गिरा लेना है। चलिए अब लोग आगे चलते हैं, इसको आप साफ कर लें, इसको थिनर से आपको साफ कर लेना, क्लीन क्लीन साफ कर लेना। हाँ साफ में देखो यहाँ से तो बच्चे, अरे ये सब बोलिए, इसको
थिनर से साफ कर लेना आप लोग को। साफ करने के बाद आप लोग को ओ सी ए चढ़ा देना है, या आपका टच ग्लास होगा ओ सी वाला तो ओ सी में चढ़ाइएगा, ठीक है। देखिए ओ सी ग्लास उतार दिए हैं, टच ग्लास का ओ सी खड़ने के बाद आपको मिला के यहाँ से मिडिल को हीरो से भी आप रख सकते हैं, लेकिन मिला के आपको इस तरह रख देना है। आराम से रखने के बाद आपको इस लोग उठा लेना है। इस लोग उठाने के बाद यहाँ पर आने के बाद मशीन में डाल देना है। डालने के बाद आपको पत्ता को मोड़ देना है। पत्ता मोड़ने के बाद इस देखिए डिस्प्ले पेस्टिंग हो चुका है। ये देखिए डिस्प्ले को अब निकालते हैं हम लोग। डिस्प्ले को निकालते हैं आराम से, अब इसको चेक करते हैं। इसको सीधा करते हैं हम लोग, अब उतना ही रखें। इसके बाद आपको मिडिल में डाल लेना है। मिडिल में डालने के बाद आपको सेट को डाल के ऑन करना है, टेस्टिंग सही से हुआ है कि नहीं। तो टेस्टिंग होने हो रहा है। देखिए बढ़ रहा आपका आगे, रियलमी लिख के है। बढ़ने बाद आपको दिखाते हैं कि काम कर रहा है कि नहीं। पेस्टिंग क्लीन हुआ है, कहीं भी बबल एयर किसी तरह का नहीं है। देखिए काम कर रहा है, सारा वर्क कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए ब्राइटनेस भी बढ़ रहा है, ये हमारा काम सक्सेसफुल। देखिए हम लोग साइड से पेस्ट दे दे रहे हैं, हल्का हल्का दम पेस्ट देना और नीचे में नहीं होना चाहिए डिस्प्ले का, ताकि डिस्प्ले नीचे का सड़ जाएगा। ये इसका कॉर्नर में देना है दम, कॉर्नर में थोड़ा थोड़ा दम, ज़्यादा भी नहीं देना है। कोना में डाल के आपको राउंड घुमा देना है। अब फ्रेम को पूरा क्लीन कर लेना है, जैसे मेरा क्लीन है, क्लीन कर लेना ताकि फिनिशिंग आएगा, मतलब बैठेगा सही, जैसे पहले था वैसे ही, पता भी नहीं चलेगा कि काम किया हुआ। पूरा नट को कस पूरा नट को कस लेना आपको, एक एक नट को अच्छा से। रिंग को ज़रूर साफ कीजिएगा ताकि बैठेगा अच्छा से तो फिनिशिंग आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम टेप मारेंगे चारों तरफ। ताकि बैठेगा क्लियर। टेप मारने से क्या होगा ना कि जो है ना फिनिशिंग बैठेगा, पानी नहीं जाएगा ना तो बचा आएगा। टेप को नाखून से उजाड़ लेना है।
निकालने के बाद इसका हल्का हल्का पेस्ट दे देना, हल्का हल्का। किनारे में देना है, बीच में देना है ताकि टेप की जगह नहीं आए, ठीक है। और लंबा वीडियो इसलिए है कि आप लोगों को पूरा समझाएं, ये नहीं सोचिएगा कि वीडियो लॉन्ग है और स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा कैसे हम काम किए हैं। देखो आपको समझ में आई नहीं, बोले कि वीडियो लॉन्ग है। देखिए अब इसको हम चिपकाते हैं, चिपकाने के बाद आपको दिखाते हैं हम। अब इसके ऊपर हम रबड़ मारेंगे ताकि इसको बैठाने के लिए और चिपक जाए अच्छी तरह से। देखिए काम बिल्कुल भी एकदम सही कर रहा है, कोई किसी तरह कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहेगा और काम सक्सेसफुल। देखिए ब्राइटनेस और कम बेसी भी हो रहा है। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, रबड़ मार देंगे। रबड़ को मार लेने से क्या होगा ना, सही से बैठेगा। देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। चलिए हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।